की कमियां हैं। वह कंजूस होने के साथ साथ बहुत तरह की कमियों को अपने अंदर और अपनी जिंदगी में पाले हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बार श्याम पट पे नजर डालते हैं और जो शब्दार्थ है उसे देखते हैं। सबसे पहला शब्द अनोखा। अनोखा मतलब क्या होता है? अलग तरह का, जो विभिन्न प्रकार का हो। दूसरा शब्द क्या है? बेहद, बहुत ज्यादा, जो अधिक मात्रा में हो। तीसरा शब्द क्या है? कंजूस। पैसा ना होने पर भी ना खर्च, पैसा होने पर भी ना खर्च करने वाला, वैसा व्यक्ति जिसके पास धन हो, पैसे हो, लेकिन वह खर्च ना करता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंजूस। व्यर्थ मतलब बेकार, जो खराब होता है। तो यह है शब्दार्थ, कुछ शब्द है जो पाठ के द्वारा पाठ के अंदर से लिए गए हैं, जैसे अनोखा मतलब अलग तरह का, बेहद बहुत ज्यादा, कंजूस पैसा होने पर भी ना खर्च करने वाला, व्यर्थ मतलब बेकार। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सातवीं पूरी, क्या नाम है इस पाठ का? सातवीं पूरी। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। एक गांव था और उस गांव में कौन रहता था? एक सेठ रहता था जिसका क्या नाम था? लाल। उसका क्या नाम था? अनोखे लाल। उसका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसका स्वभाव कैसा था? बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग तरह का। सब लोगों से उसका स्वभाव विभिन्न तरह का था, अलग तरह का था। वह अपने नाम की तरह ही बिल्कुल अनोखा था, और वह अपने नाम की तरह ही अनोखा था, अलग था। कंजूस तो वह था ही, अकल की भी उसमें बेहद कमी थी, और वह कंजूस तो था ही, पैसे होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता था। उसके बावजूद भी उसके पास बुद्धिमानी की, बुद्धिमती की, अकल की बहुत कमी थी, उसमें अकल बहुत कम थी। पैसे बचाने के लिए उसने कंजूसियत की सभी हदें पार कर दी थी, और पैसे बचाने के लिए वो बहुत ही दिनों दिन कंजूस होते जा रहा था। एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। एक बार वह अपने मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, उसे जाना था। सफर काफी लंबा था, और उसका जो मित्र का गांव था वो बहुत ही दूर था। जो उसका रास्ता था, जो उस गांव का जो रास्ता था वो बहुत ही दूर था। उसका सफर, उसका रास्ता बहुत ही लंबा था, बहुत ही दूर था। अनोखे लाल ने टांगे वाले से वहां तक जाने का किराया पूछा। आगे जब वह अपने घर से निकला और अपने मित्र के यहाँ के गांव जाने के लिए तैयार हुआ और अपने घर से निकला, तो उसे कौन मिला? एक टांगा वाला। उसे अब उस गांव को में जाने के लिए उस टांगे वाले से उसके गांव के जाने के किराए को पूछा। किराया सुनकर ही उसके होश उड़ गए। जब उसने टांगे वाले से गांव जाने के किराया पूछा और जब टांगे वाले ने उसे किराया बताया, तो जब उसने किराया सुना कि उस वहां जाने के लिए उसे कितने पैसे लगेंगे, उसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आने लगा। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल ही सफर करना उचित समझा, और वो बहुत ही कंजूस था, स्वभाव से बहुत कंजूस था, पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, और इसीलिए पैसे ना खर्च करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं अपने दोस्त के गांव, जो लंबा सफर है, उसे पैदल ही तय कर लेता हूँ। गर्मियों के दिन थे। दिन कैसा था? गर्मी के दिन थे। जैसे कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम चल रहा है। उसी प्रकार उस समय भी गर्मी का ही दिन था। सूरज आग बरसा रहा था, और सूरज की रोशनी बहुत तेज होने के कारण सूरज में से बहुत ही कड़ी धूप आ रही थी। पैदल चलते चलते जल्दी उसे भूख और प्यास लगने लगी, और पैदल चलते चलते उसे क्या हुआ? उसे बहुत ही जोर से भूख और प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसने इधर उधर अपनी आंखें दौड़ाई ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। सड़क के से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकानें नजर आई। जब वह सड़क के थोड़ी दूरी तक पहुंचा तो उसे क्या दिखाई दिया? कुछ दुकानें दिखाई
लाया और वह मन ही मन अपने आप में उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं, इतना लंबा सफर था तो मैं अपने घर से एक सामान ले आता और रास्ते में उसे ही बैठ करके खा लेता। उससे क्या होता कि मुझे बाजार की चीजें नहीं खानी पड़ती और मैं भूखा भी नहीं रह पाता, क्योंकि वो बाजार की चीजें उस दुकान की चीजों को देख करके उसे खाने का पैसे खर्च करने का मन नहीं करने लगा और वह सोचने लगा कि अगर मैं घर से सामान ले आता तो क्या होता, मैं खा लेता और मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तभी उसकी नजर हलवाई की एक छोटी सी दुकान पे पड़ी और तभी उसकी एक छोटी सी दुकान पे पड़ी जिसमें एक हलवाई काम कर रहा था, उस खाने की चीजें बना रहा था। वह उस ओर बढ़ गया और वह उस छोटी सी दुकान की ओर बढ़ गया। उसने दुकान से सात पूड़ियां खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठकर उन्हें खाने लगा। और उस छोटी सी दुकान से जो हलवाई बना रहा था वहां से उसने क्या किया, सात पूड़ियां खरीदी और सात पूड़ियों को लेकर के वह एक पेड़ के नीचे बैठा। एक अच्छी जगह, एक साफ सुथरी जगह को देख करके वह एक पेड़ के नीचे बैठा और उन सात पूड़ियों को क्या किया, खाने लगा। उसने एक पूरी खाई, दूसरी पूरी खाई, तीसरी पूरी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। उसने एक पूरी, दो पूरी, तीन पूरी, चार पूरी, वैसे वो सातों पूरी खा लिया, लेकिन उसका पेट सेठ का क्या हुआ, सेठ का पेट नहीं भरा। इस तरह उसने एक एक करके छह पूड़ियां खा ली और इसी का ऐसी तरह उसने क्या की, छह पूड़ियां खा ली लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पर उसका पेट नहीं भरा, तब उसने सातवीं पूरी उठाई और उसे भी खा गया। इस बार उसका पेट भर गया और तभी उसने क्या की, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पूड़ियों को खाने के बाद सेठ का पेट नहीं भरा। लेकिन जैसे ही सेठ ने सातवीं पूरी खाई, जो सातवीं पूरी थी उसे उठाने के बाद खाने के बाद सेठ का पेट जो था वह भर गया। पेट भरते हुए अपने आप से बोला, ये मैंने क्या किया। और जैसे ही वह उसने सातवीं पूरी खा ली और जैसे ही पेट उसका भर गया, सेठ ने पूड़ियाँ खा करके उसका पेट भर लिया, अपना पेट भर लिया, तभी वह बोलता है कि मैंने यह क्या किया। सातवीं पूरी खाने के बाद उस वह कहता है कि मैंने यह क्या कर दिया, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। और वह कहने लगा कि मैं कितना बुद्धू कैसे हूँ, मैंने व्यर्थ ही छह पूड़ियाँ बर्बाद कर दी। और वह सोचने लगा कि मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पूड़ी जो खाई तो मैंने वो पूरी तो व्यर्थ कर दी। उसे क्या लगा था कि अगर मैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, सातवीं पूरी ही अगर नीचे से ही निकाल के मैं पूरी खाता तो क्या होता, मेरा पेट जो है वो भर जाता। मैं बेकार में ही एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पूड़ियाँ खा लिया और उसके बाद सातवीं पूरी भी खा ली और मेरा पेट भर गया। अगर मैं सातवीं पूरी ही खा लेता तो मेरा पेट भर जाता और एक, दो, तीन, चार, पाँच या छह पूड़ियाँ बच जाती। मैंने व्यर्थ ही छह पूड़ियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं पहले ही सातवीं पूरी को खा लेता तो मेरा पेट भी भर जाता और छह पूड़ियाँ भी बेकार ना होती। और वह उसी तरह सोचने लगा कि मैं अगर सातवीं पूरी पहले ही निकाल करके खा लेता तो मेरा पेट भी भर जाता और यह जो छह पूड़ियाँ मैंने व्यर्थ में खा लिया यह भी बच जाती और मैं इसे आगे खा सकता था। वह गुदगुदाया, अब जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और वह अपने आप में बोलने लगा कि अब मैंने जो कर दिया सो कर दिया, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मैं अपनी बुद्धिमानी से काम करूँगा। और पहले ही जो, क्योंकि वह तो बेवकूफ था, उसे समझ नहीं था कि वह छह पूरी खाने के बाद जो सातवीं पूरी खाया उसी के कारण उसे सारी पूरियों के खाने से उसका पेट भर गया था। लेकिन वह क्या सोचने लगा कि सातवीं पूरी ही सिर्फ खाने से उसका पेट भरा और छह पूरियां व्यर्थ हो गया। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी से किसी भी काम को करना चाहिए। धन्यवाद।